Hello students, today our topic is Python programming. In this lecture we are going to discuss Python operators. So let's start. Students, अभी तक पिछले लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम Python सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, कितने मोड में वर्क करता है. टू मोड्स होते हैं बेसिकली, एक आपका इंटरेक्टिव मोड होता है, एक आपका वेट अ सेकेंड सो एक इंटरेक्टिव मोड है और एक स्क्रिप्ट मोड है. सो वी कैन यूज़ ओनली टू मोड्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अभी हमें सिर्फ अगर सिंगल लाइन में वर्क करना है, ठीक है, तो वन लाइन स्टेटमेंट है, तो हम जनरली हम इस इंटरेक्टिव मोड में वर्क करते हैं. और अगर हमें स्क्रिप्ट मोड में वर्क करना है तो हमारे पास एक स्क्रिप्ट, एक प्रोग्राम होना चाहिए, इट मीन्स मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए. तो वहाँ हम वर्क करते हैं स्क्रिप्ट मोड में. तो ऑपरेटर्स की बात करते हैं. बेसिकली पाइथन बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है मैथमेटिक्स से, तो जो भी मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं तो ऑलमोस्ट वही सेम ऑपरेटर्स यूज़ पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर भी होते हैं. कुछ डिफरेंट होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा तो किस तरीके से डिफर करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की. तो आप देख पा रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, आप जानते भी हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न जनरली हम यूज़ करते हैं. पाइथन में कुछ और एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स भी दे रखे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर जो आपको देखने को मिलेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की. देखिए, हम टू वेरिएबल्स लेते हैं, ए की वैल्यू अगर हम 10 लें और बी की वैल्यू 20, ठीक है, तो अगर हमें ऐड करना है तो हम ए प्लस बी लिखेंगे, वही प्लस ऑपरेटर जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, तो दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगे. अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे, मैथमेटिक्स में भी माइनस यूज़ करते हैं, यहाँ भी माइनस यूज़ करेंगे. मल्टीप्लाई में यहाँ आपको स्टार यूज़ करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में जनरली हम डॉट या क्रॉस यूज़ करते हैं, यहाँ हमें स्टार साइन का यूज़ करना पड़ेगा. डिवाइड करने के लिए स्लैश, और डिवाइड एक्चुअली बेसिकली यहाँ पर थ्री टाइप्स का होता है. और मैं इससे पहले डिवाइड को बताऊँ, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन भी जो आपका होता है बेसिकली उसमें एक स्टार होता है और एक एक्सपोनेंट होता है. तो एक्सपोनेंट में डबल स्टार यूज़ करते हैं, और अगर हम सिंगल स्टार यूज़ करें इतनी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम डबल स्टार यूज़ करें इतनी से हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2*3 लिखूँ तो इट मीन्स 2^3, इट मीन्स 8 आएगा. लेकिन अगर मैं सॉरी 2*3 6 आएगा. लेकिन अगर यहाँ डबल स्टार यूज़ किया जाए 2*3, तो इट मीन्स 2^3 होगा, इट मीन्स आंसर 8 आएगा. तो स्टार का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और डबल स्टार का मतलब है यहाँ पर एक्सपोनेंट. तो ये पॉइंट हुआ. दूसरा पॉइंट था डिवीज़न से रिलेटेड. डिवीज़न बेसिकली अगर हमें जैसे मैथमेटिक्स में डिवीज़न करते हैं, तो वहाँ अगर वही डिवीज़न हम यहाँ पर भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम स्लैश का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है, इसको डिवीज़न बोलते हैं. और एक और डिवीज़न होता है जिसे बोला जाता है फ्लोर डिवीज़न, उसमें हम सिंगल स्लैश नहीं यूज़ करके डबल स्लैश का साइन यूज़ करेंगे. तो वो डिफर कैसे है आपको ये भी समझना होगा. जब हम फ्लोर डिवीज़न कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ इंटीजर पार्ट में देखते हैं कि हमारा आंसर सिर्फ इंटीजर पार्ट में आता है, इट मीन्स ओनली इंटीजर पार्ट काउंट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट काउंट नहीं होता, ठीक है. जैसे अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो ऑब्वियसली आंसर 2.5 आएगा. लेकिन अगर हम फ्लोर डिवीज़न का यूज़ करें, 5 डबल स्लैश 2 यूज़ करेंगे, तो फिर उस केस में आंसर 2 आएगा, इंटीजर पार्ट आएगा, एक्सपोनेंट पार्ट नहीं आएगा, क्लियर. तो एक ये हो गया आपका, तो स्टार हो गया, डबल स्टार हो गया, एक्सपोनेंट. अच्छा, एक ऑपरेटर और है मॉडुलो डिवीज़न, ये भी मैथमेटिक्स में आपने नहीं देखा होगा. परसेंटेज के साइन के साथ यूज़ करते हैं. परसेंट का ये मतलब समझ लीजिएगा, यहाँ परसेंटेज निकाल रहे हैं. परसेंटेज का मतलब होता है मॉडुलो डिवीज़न, इट मीन्स आप रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं. जैसे 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा. 2*2 = 4+1, 1 इज़ द रिमाइंडर, ठीक है. तो 1, ये जब मॉडुलो डिवीज़न निकालेंगे तो फिर आपका 1 आंसर आएगा. तो ये आपका एक हम देख पा रहे हैं, एक टेबल दे भी रखी है, एग्जांपल भी दे रखा है. याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 ली है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन निकल के आ रही है आपके सामने. तो अभी इसको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट भी करा के देख लेते हैं. और आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से काम करते हैं. तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, आप कुछ और वैल्यू भी ले सकते हैं जो आपको सही लगे, उसके हिसाब से आप वैल्यू ले लीजिएगा. डिफरेंट ऑपरेशन आप परफॉर्म करके दे सकते हैं, ठीक है. तो चलिए,
पाइथन सॉफ्टवेयर आई थिंक आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। कल मैंने बताया भी था आपको किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, और साथ साथ मैंने एक बात और बताई थी आपको कि अगर आपके पास अपना कंप्यूटर नहीं है तो फिर आपको क्या करना है। फिर आपको करना ये है कि मोबाइल पर एक एप्लीकेशन आती है PyDroid 3, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ भी आप पाइथन के सभी प्रोग्राम्स को ईजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कोई इशू नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर है नहीं है, कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कंप्यूटर नहीं भी आपके पास तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आप वहाँ भी अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेंगे। अभी हम तो सिस्टम पर ही डाउनलोड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद हम पाइथन उसके बाद हम एप्लीकेशन के थ्रू भी एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। तो आज तो ऑपरेटर्स ही पढ़ाना है मुझे, तो आपको पहले ऑपरेटर्स की बात करते हैं। ये देखिए मैंने इंटरेक्टिव मोड ओपन कर लिया, सॉफ्टवेयर मेरे पास है Python 3.3 ओल्ड वर्जन है, ठीक है। आप कोई 3.x कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडिशन करके देखते हैं, तो 10 प्लस 20 करेंगे कितना आंसर आएगा, एंटर प्रेस करते हैं कितना आंसर आएगा। ओके, स्पेस दे रखा था 10 से पहले, स्पेस अलाउड नहीं है। कल मैंने बताया था इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट आपको, देखिए 20 आ गया। और 10 माइनस 20 करेंगे तो जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं वैसे यहाँ होगा, कुछ डिफरेंट तो है नहीं। तो 10 माइनस 20 करेंगे तो -10 आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टार यूज़ करना पड़ेगा आपको, 10 स्टार 20 कीजिए, देखिए 200 आना चाहिए आंसर, देखिए। और अगर हम डबल स्टार यूज़ करेंगे तो 10 पावर 20 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। उससे पहले डिवाइड करके देखते हैं, 10 स्लैश 20 कितना है आंसर, 0.5, ठीक है 0.5 ही आएगा। और अगर हम करते हैं 10 डबल स्लैश 20 तो कितना आंसर आएगा, ओनली इंटीजर पार्ट, इट मीन 0, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है डिवीज़न ऑफ रो डिवीज़न में, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अभी अगर आप तो डिवाइड का एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2.5। और 5 डबल स्लैश 2 करेंगे, फ्लोर डिवीज़न लेंगे तो कितना आएगा, ओनली 2, सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएगी। इसी तरीके से अगर आप करते हैं, चलिए एक वैल्यू और लेते हैं, ऑलमोस्ट सभी ऑपरेटर्स हो गए, बस एक्सपोनेंट बचा है। तो 5 डबल स्टार 2 इट मीन्स 5 पावर 2 इट मीन्स 25, 25 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सभी ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं, इनका यूज़ होता है। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो ये ऑपरेटर्स यूज़ होंगे, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। प्रोग्राम बनाने से पहले आपको बिल्कुल बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे आप। तो यहाँ हमने देखा कि हमने सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को अप्लाई करके देख लिया, ठीक। तो आई थिंक अभी कोई डाउट नहीं होगा आपको, कितने ऑपरेटर्स हो गए अर्थमेटिक, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, इसके साथ साथ फ्लोर डिवीज़न एक्सपोनेंट और मॉडुलो डिवीज़न, ठीक है 7 हो गए। ये ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सभी का मीनिंग आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, इसको कहाँ यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम में जहाँ रिक्वायरमेंट होती है तो वो ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं, बात करते हैं अब, ये देखिए पहले इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिए, प्रैक्टिकली तो मैंने करके दिखा दिया आपको, ठीक है। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर समझना होगा कौन सा ऑपरेटर यूज़ हो रहा है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपको ऑपरेटर के बारे में पता नहीं होगा तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात करते हैं, नेम ही है कंपैरिजन, इट मीन्स आप कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो आंसर किसी डिजिट की फॉर्म में तो आएगा नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा 2 इज़ ग्रेटर दैन 5 तो आंसर येस या नो में बोलेंगे आप। कंप्यूटर इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है, पाइथन में इसका आंसर ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में रिटर्न होगा। तो जितने भी कंपेरिजन है, चाहे हम बात करें इक्वल की, नॉट इक्वल टी, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सभी कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाते हैं। इसमें हम सभी में कंपैरिजन करते हैं समा।
तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ऑब्वियसली कंपैरिजन का जो आंसर आएगा वो या तो ट्रू आएगा या फिर वो फॉल्स आएगा। वो सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, सभी वैल्यू के लिए फॉल्स नहीं आ सकता, वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। आंसर ट्रू और फॉल्स में से आएगा, नंबर कभी नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। इक्वल के लिए साइन आप देख रहे हैं, ठीक है, जो मैथमेटिक्स में इक्वल होता है वो यूज़ नहीं करना है, यहाँ डबल इक्वल यूज़ करना है। और जो नॉट इक्वल है उसके लिए आपको एपोस्ट्रॉफिक मार्क और फिर इक्वल का साइन। नॉट इक्वल के लिए दो ऑप्शन दे रखे हैं ऑलरेडी, पर आपको सेकेंड ऑप्शन यूज़ नहीं करना, फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ जो मैथमेटिक्स में इक्वल है वो यहाँ इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वो यहाँ पर इक्वल का मतलब डबल इक्वल, जो मैथमेटिक्स में इक्वल का साइन है उसको टू टाइम्स लिखेंगे तब वो इक्वल माना जाएगा यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये याद रखिएगा। लेस देन ग्रेटर देन जैसे यूज़ होते हैं ऐसे यूज़ होते हैं। हाँ, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू थोड़ा डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप लेस देन का साइन बनाइए फिर इक्वल का, तो वो कहलाएगा लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन का साइन बनाइए फिर इक्वल का, तो वो कहलाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये सिंबल हैं आपके, ये आपके सॉरी ऑपरेटर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, कंपैरिजन के लिए। अलग अलग तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं आप। आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो भी ए की वैल्यू 20 है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20, उसके लिए भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जैसा भी रिजल्ट होगा आंसर या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स आएगा, ठीक है। कंपैरिजन को रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो कितना हो गया आपका, इक्वल, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो टोटल कितने ऑपरेटर हो गए, 6 ऑपरेटर हो गए। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किए जाते हैं जनरली, जैसे मैथ में यूज़ करते हैं वैसे यूज़ नहीं करते हम। प्रोग्रामिंग में, ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग में ऐसे ही यूज़ किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आपने विजुअल बेसिक पढ़ी होगी और भी वहाँ भी सभी जगह ऐसे ही यूज़ किया जाता है, चाहे आप सी पढ़ें, सी प्लस प्लस पढ़ें, जावा पढ़ें, तो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ऐसे ही यूज़ किया जाता है। सो आई थिंक अभी क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। तो अभी आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गया, कंपैरिजन ऑपरेटर क्लियर हो गया आपको। तो आपको कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ कीजिए, अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कीजिए, ठीक है। एक ऑपरेटर हम और पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, पर उससे पहले इसको थोड़ा सा हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ताकि आपके जो 1% डाउट है आपके माइंड में वो क्लियर हो जाए। तो हम वैल्यू ले लेते हैं, वेरिएबल की जगह वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, और वैल्यू पर डायरेक्ट ऑपरेट करके देखते हैं। ए इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स है, 10 20 के इक्वल नहीं होता। 10 नॉट इक्वल टू 20, ये देखिए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यस आंसर ट्रू आया। नॉट इक्वल टू क्योंकि मैंने एक और रिप्रेजेंटेशन बताया था, तो मैंने कहा था सेकंड रिप्रेजेंटेशन मत लीजिएगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों साइन एक साथ हम लिखते हैं तो वो नॉट इक्वल टू के वो पाइथन में इसमें सपोर्ट नहीं करेगा वो आपका। तो आपको एपोस्ट्रोफिक मार्क के साथ इक्वल का साइन लिखना पड़ेगा तब वो आपका माना जाएगा। अच्छा, एक ये हो गया आपका, एक और है तो इम्पॉर्टेंट बात आप एक नोटिस कर रहे होंगे, आंसर या तो ट्रू में आ रहा है या आंसर फॉल्स में आ रहा है। ट्रू और फॉल्स साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ नहीं आ सकते, पहली बात। आंसर कभी भी नंबर की फॉर्म में नहीं आएगा, सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये कंपेरिजन ऑपरेटर है, 10 इज़ लेस देन 20, ट्रू है फॉल्स है, इट इज़, वेट ए सेकेंड, दोबारा ओपन करते हैं पाइथन को, आप भी देख लीजिए। पाइथन में, पाइथन आइडियली में जाते हैं हम, 3.3 मैंने डाउनलोड कर रखा है, ओपन होते ही इंटरेक्टिव मोड ओपन हो जाएगा, यहाँ आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना था हमको, हमको लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का देखना था, देख लेते हैं। स्टार्टिंग से चलते हैं, पहले 10 इक्वल टू 20 फॉल्स, 10 नॉट इक्वल टू 20, साइन देखते जाइएगा ऑपरेटर का, ट्रू, 10 लेस देन 20, एंटर प्रेस करते ही आंसर आ जाता है इसमें, ठीक है। फॉल्स, 10 ग्रेटर देन 20,
10 लेस देन 22 आ रहा है, 10 ग्रेटर देन 40 फॉल्स आएगा वाली, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 फॉल्स, 10 लेस देन इक्वल टू 20 अगेन आंसर आपका ट्रू आएगा। तो ये हो गया आपका तो कंपैरिजन ऑपरेटर भी हो गया आपको, मैंने एग्जीक्यूट भी करके दिखा दिया इसको पाइथन में। इतना आसान नहीं है आपको, तो प्रोग्राम में इसको यूज़ करना है, तो यहाँ तो मैं डायरेक्ट इंटरेक्टिव मोड में यूज़ करके इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, मतलब समझ में आ जाए कि ये पर्पज़ क्या है इसका। पर्पज़ आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, जैसे जैसे आप प्रोग्राम देखेंगे तो वहाँ जब यूज़ होगा तब आपको और अच्छा समझ में आएगा, तब पता चलेगा आपको। यहाँ तो सिर्फ हम ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, प्रोग्राम की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ इंटरेक्टिव मोड पर मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ कि इसका क्या मीनिंग है। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट का क्या मतलब होता है? असाइनमेंट का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल को, वेरिएबल का मतलब है जो चेंजेबल है प्रोग्राम में, थ्रू आउट द प्रोग्राम जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है वो वेरिएबल कहलाएगा। मैथमेटिक्स में भी हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग में भी हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। जैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? आप कहेंगे एस आई इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो एस आई पी आर टी क्या है ये? दीज ऑल आर द वेरिएबल्स, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट को, रेट को, टाइम को, प्रिंसिपल अमाउंट को, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट मोड में मैं प्रोग्राम एक ओपन कर लेता हूँ, यहाँ थोड़ा सही रहेगा। तो आज बात कर पहले हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। जो मैथमेटिक्स का जो एक्चुअली में इक्वल साइन है वो यहाँ पर असाइनमेंट का साइन है पाइथन प्रोग्रामिंग में, और पाइथन में जो इक्वल का साइन है उसके लिए हम डबल इक्वल यूज़ करते हैं, वो तो अभी मैंने आपको बताया ही। तो कैसे करते हैं? आपको कोई वैल्यू, जिस वैल्यू को असाइन करना है उस वैल्यू को राइट हैंड साइड में लिखेंगे, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और मिड में असाइनमेंट का साइन लिखेंगे। ये मैं एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ये देखिए ए इक्वल टू 5 प्रिंट ए लिखा है मैंने। आपको कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो प्रिंट लिखिए और पैरेंथेसिस के अंदर उस वैल्यू वेरिएबल का नेम लिख दीजिए, तो वैल्यू प्रिंट हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा आसान सा तरीका है, आपको और समझेंगे जैसे प्रोग्राम होगा। ये देखिए 5 आ रहा है, प्रिंट कराने के लिए क्या किया मैंने, प्रिंट लिखा और पैरेंथेसिस साइन के अंदर क्या लिख दिया मैंने, वेरिएबल लिख दिया जिस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना। वो क्या है यहाँ पर? वो ए है। तो ए की वैल्यू क्या थी ऊपर? 5 थी। 5 इज़ असाइन टू ए, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे नहीं बोला जाएगा इसको कि 5 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसका मीनिंग है कि 5 इज असाइन टू ए। और याद रखिएगा हमेशा राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट होता है, कभी भी लेफ्ट टू राइट नहीं होता। आप लिखेंगे 5 इक्वल टू ए लिख दें तो सोचेंगे कि ए को 5 असाइन हो जाएगा, नहीं, दोनों दीज आर टोटली टू डिफरेंट थिंग्स, तो दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। हमेशा वैल्यू राइट हैंड साइड में आएगी और वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। एक बात और थी, अब मुझे आपको ये बताना ये था कि अभी अगर एक ही वेरिएबल को बार बार वैल्यू असाइन की गई है तो जो लास्ट वैल्यू होती है वो मानी जाती है, वो कंसिडर होती है, और आपने वैल्यू चेंज कर दी है तो भी जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वही कंसिडर होगी। जैसे सपोज आपने लिखा ए इजिकल टू 5, फिर लिखा ए इजिकल टू ए प्लस 5, तो अभी जब आप ए इजिकल टू ए प्लस 5 लिखेंगे तो ए की वैल्यू पहले 5 थी, तो 5 में 5 ऐड हो जाएगा, अब 10 हो जाएगी ए की वैल्यू। तो जब प्रिंट होगी वो वैल्यू 10 होगी ना कि 5 होगी, क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू प्रिंट होती है। कैलकुलेट होके कौन सी लेटेस्ट वैल्यू आई? कैलकुलेट होके लेटेस्ट वैल्यू आई आपकी 10। और हमेशा असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट होता है। तो आप देखेंगे सर लेफ्ट में भी ए है, राइट में भी ए है, तो मैंने अभी बताया हमेशा पहले राइट हैंड साइड वाला पोर्शन अपना वर्क करता है, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो राइट हैंड साइड में जब ए आ रहा है तो वो ए अपनी वैल्यू कहाँ से लेगा? उसके प्रीवियस स्टेटमेंट से। प्रीवियसली भी ए की वैल्यू कितनी डिफाइन कर रखी है? 5 डिफाइन कर रखी है। तो 5 प्लस 5 हो जाएगा, ये किसको असाइन हो जाएगा? दोबारा से ए को। अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। और इसको मुझे प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट ए लिखूंगा, तो फिर और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी इसके ऊपर। याद रखिए किसी वैल्यू को अगर आपको प्रिंट कराना है वैल्यू, तो आप प्रिंट लिखिए और पैरेंथेसिस के अंदर उसकी वैल्यू लिख दीजिए। रन करके दिखाते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको, देखिए, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये देखिए आउटपुट आ रहा है। चलिए मैं अभी यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ। अब देखिए मैंने वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ए इजिकल टू 10 किया और सेकंड लाइन में ए इजिकल टू ए प्लस 5, कितना आना चाहिए आंसर? 15 आना चाहिए, नहीं 15 आ रहा है, ठीक है। तो दो बातें याद रखिएगा, पहली बात प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग,
लेटेस्ट वैल्यू होती है किसी वेरिएबल की, वो कंसिडर होती है, आप वो याद रखिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, असाइनमेंट ऑपरेटर में हमेशा वैल्यू राइट टू लेफ्ट असाइन होती है, कभी भी लेफ्ट टू राइट असाइन नहीं होती। ठीक है, अब देखिए मैंने एक ही दो डिफरेंट वैल्यू दी, और दे देते हैं, चलिए पहले 10 दी, 15 दी, 20 दी, फिर और कुछ दे दिया हमने इसको, 25 दे दी, कुछ भी वैल्यू देंगे तो जो लास्ट वैल्यू होगी वो कंसिडर होगी। ये देखिए लास्ट वैल्यू आंसर आ गई, ठीक है 30। तो अभी आप एक वेरिएबल को कितनी वैल्यू असाइन कर सकते हैं एक प्रोग्राम में, लेकिन याद रखिए वो वेरिएबल है, इसलिए तो वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी कर रही है। तो अभी जो लास्ट वैल्यू होगी वही रिकग्नाइज की जाती है, वही मानी जाती है कैलकुलेशन के अंदर, और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन लाइन बाई लाइन होता है। अब यहाँ मैं आपको कुछ और समझाने जा रहा हूँ, उसको चीज़ को समझिएगा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड। असाइनमेंट आपको सिंपल लग रहा होगा आई थिंक, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बाकी अगर आपको डाउट है तो क्लास के अंदर इस वीडियो को देखने के बाद क्लास में डाउट ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग में जब तक आप डाउट्स नहीं पूछेंगे तब तक प्रोग्राम बना नहीं पाएंगे आप। तो याद करने को आप कितने भी याद कर लीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है आपका बेनिफिट। तो क्या किया मैंने यहाँ पर, यहाँ मैं एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले वो समझ लीजिए आप। देखिए ये जो ऑपरेशन है ना, इसमें आप प्लस किया मैंने, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 लिखा था, ए माइनस 5 लिख दीजिए, ए स्टार 5 लिख दीजिए, ए माइनस स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए डिवाइड बाई 5 लिख दीजिए, एक्सपोनेंट है तो डबल स्टार लिख दीजिए, तो उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। जो मेन पॉइंट है वो ये है, पहले मैं इसको करके दिखा देता हूँ ताकि आपके ये डाउट क्लियर हो जाए कम से कम। चलिए ये हम गए यहाँ पर, लेट अस सी, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट और, इसको समझिएगा अच्छी तरीके से, समझ लीजिए इसको, ये यूज़ होगा प्रोग्राम में, और जब प्रोग्राम में यूज़ होगा तो आपको वहाँ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूज़ डेफिनेटली होगा, ये कन्फर्म है। इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, ए प्लस 5 इज असाइन टू ए, ए प्लस 5 की वैल्यू ए को असाइन कर दीजिए। नॉर्मली हम इसे ऐसे पढ़ते हैं, इक्वल टू ए प्लस 5, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए प्लस इक्वल टू 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब दोनों साइड में एक ही वेरिएबल हो ना, तो आप उसका सेकंड वे में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए प्लस इक्वल टू 5, वेरिएबल इसमें एक ही बार आएगा। और ये सिर्फ प्लस के लिए अप्लाई नहीं होता, ये सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर के अप्लाई होता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है। अगर ए इक्वल टू ए माइनस 5 लिखा हुआ तो आप ए माइनस इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई के लिए लिख सकते हैं। तो जनरली नॉर्मली ऐसे ही यूज़ किया जाता है। ऐसे ही लिखा हुआ है ए इक्वल टू ए स्टार 5, तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा ए स्टार इक्वल टू 5। ये दोनों सेम है, लेकिन जो नीचे डेफिनेशन हमने दे रखी है, या जो डिक्लेरेशन सॉरी दे रखा है हमने, मोस्टली यही यूज़ होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अगर कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिला है ए स्टार इजिकल टू 5, तो मतलब समझ जाइएगा उसका मतलब ये है, ए स्टार इजिकल टू ए प्लस ए स्टार इक्वल टू 5 का मतलब है ए इजिकल टू ए स्टार 5, मतलब ए का 5 में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया आपको आपके अभी, ऐसा कहीं भी मिलता है आपको प्रोग्रामिंग में आप यूज़ कर सकते हैं।
और अगर यही सेम कॉन्सेप्ट हम डिवाइड के लिए अप्लाई करें तो डिवाइड में भी ऐसा होगा, प्रो डिवीज़न के लिए भी ऐसा होगा, एक्सपोनेंट के लिए भी ऐसा ही होगा, सभी के लिए ऐसा ही होगा। यहाँ देख लीजिए करके, इसको ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना, लीजिए। और आप कुछ गलत लिखते ना तो एरर आ जाती है, और आपको पता चल जाता है एरर कहाँ है, किस लाइन में। जैसे इसमें एरर है, ये देखिए, इंटेंशनली मैंने एरर थी इसके अंदर डाली थी मैंने। क्या था, ए को दोनों साइड में लिख दिया था, रिमूव करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए, रिमूव कर दिया, सही किया, सेव किया, एग्जीक्यूट हो गया। प्रोग्राम को रन कराने से पहले एग्जीक्यूट करना कंपलसरी है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर जितने ऑपरेटर्स पढ़े, कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़े हमने यहाँ पर, ऑपरेटर्स पढ़े, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, और ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये डिफरेंट ऑपरेटर्स पढ़े हमने यहाँ पर। और ये ध्यान रखिएगा इसमें कि कंपैरिजन ऑपरेटर, स्पेशली कंपैरिजन ऑपरेटर में इस तरीके से काम करते हो, आप देख लीजिएगा। ओके, सेकेंड, हाँ, जो हम कह रहे थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स में, तो नॉर्मली जब हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को, तो उस असाइनमेंट ऑपरेटर में ये बात याद रखिएगा आप कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि हम जनरली जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, वो ऐसा ही होता है। ए इक्वल टू ए प्लस फाइव अगर लिखा हुआ है तो आपको ऐसे नहीं लिखना है उसको, उसको लिखना है आपको ए प्लस इक्वल टू फाइव। तो ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रहा था आपसे, बाकी तो आपको पता ही है। तो अभी हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ लिए, कंपैरिजन ऑपरेटर समझ लीजिए, और हमने ये भी समझा कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप से असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, असाइनमेंट ऑपरेटर अपने आप में एक ही है, और वो असाइनमेंट ऑपरेटर ये है कि हम वैल्यू जो असाइन करते हैं हमेशा राइट टू लेफ्ट असाइन करते हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम अगर उसके साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, दोनों साइड में एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो हम उसको फिर स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो और दूसरी बात है कि अगर आपको कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, अगर आप वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू लेटेस्ट वैल्यू होगी। वैल्यू तो हो सकता है एक वेरिएबल है तो वैल्यू की थ्रू आउट द प्रोग्राम कई बार चेंज हुई हो, लेकिन जो लेटेस्ट वैल्यू होगी, फाइनल जो वैल्यू होगी, वही कंसिडर होती है, वही आपका आउटपुट आता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एडिशन, सब